शोभा कैसी लग रही है आपको? मेले की शोभा बहुत बढ़िया है। कुछ आइटम खरीदा आपने? नहीं खरीदा अभी तो, देख रहे हैं फिलहाल, अभी तो बारी, हमने यहाँ पे ठंडी की, अभी जाके घूम रहे हैं मेले में। अच्छा अच्छा, चलिए हमारे दर्शकों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? दर्शकों के लिए क्या कहेंगे? यानी कि चचा भतीजे का मैटर है। कैसा महसूस हो रहा है आपको मेले में आकर के? बढ़िया महसूस हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल मंगल पेपर। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, इस समय रात का टाइम है, रात के समथिंग 2 से 3 बजे होंगे। इस समय मैंने पिछले वीडियो में आपको दिखाया और दिन में शूट करके दिखाया पार्ट 1 में, तो ये वीडियो का पार्ट 2 है। और इस समय मैं हूँ जालौन देवी मेले के अंदर, मेले का ये प्रांगण है। मेले में आप देख सकते हैं इतनी रात होने के बावजूद भी यहाँ पर लगातार चहलकदमी है। वैसे तो पूरे रात यहाँ पर चहलकदमी रहती है, लेकिन मैं सो रहा था, लेकिन जैसे ही मैं जागा तो मैंने सोचा कि आप लोगों को रात का सीन दिखा दूँ कि रात में कितनी चहलकदमी रहती है। और लगातार इस समय आप देख सकते हैं कि जो फास्ट फूड वगैरह आइटम हैं, पानी पूरी है और टिक्की बताता है, पूरी तरीके से इस समय चाउमीन तैयार हो रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं एकदम ताज़ा और गर्मा गर्म। जब भी आप आए नवरात्रि के टाइम में, तो आपको रात के टाइम में ये मत सोचिएगा कितना टाइम हो रहा है, आप कितने भी टाइम आइएगा यहाँ पर आपको फास्ट फूड एकदम से गर्मा गर्म तैयार आपको मिल जाएगा। और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर भी काफ़ी दर्शकों की भीड़ लगी हुई है और लगातार ये देखिए गर्मा गर्म यहाँ पर टिक्की है और पेटीज वगैरह तैयार हो रही है। काफ़ी रात है, हो सकता है आपको स्पष्ट दिखाई ना दे रहा हो, लेकिन फिर भी मेरा प्रयास है, मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको साफ काफ़ी कुछ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और साथ में और भी काफ़ी सारा आइटम तैयार हो रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं एकदम से समोसे सीखने के लिए तैयार हैं, फिंगर बनकर के कंप्लीट हो चुके हैं, केवल इनको फ्राई होकर के और केवल कस्टमर को सर्व करना है। और थोड़ा ही देर में यदि आप वीडियो को देख करके यदि आपको ऐसा लगे कि आप ये समोसे का आनंद लेना चाहते हैं, तो मॉर्निंग में आकर के आप इसका आनंद ले सकते हैं। और ये हमारे भैया बहुत ही काफ़ी वर्षों से यहाँ पर आते रहते हैं और काफ़ी वर्षों से लगाते हैं, और इनका जो आइटम है काफ़ी पसंद किया जाता है, यहाँ तक कि बहुत दूर दूर से लोग आते हैं और दुकान को पहचान करके और इनके पास जरूर खाने के लिए आते हैं। तो आप भी अगर आप यदि इच्छा हो तो आप यहाँ पर इसका आनंद ले सकते हैं। और साथ ही मैं आपको दिखाने चाहूँगा कि जैसे कि जनरल स्टोर वगैरह की जो दुकानें हैं पूरी तरीके से इस समय कंप्लीट हैं, काफ़ी खिलौने की दुकानें हैं, तो काफ़ी दर्शक बंधु हैं इस समय रात में, भक्त वगैरह हैं रात में इस समय मेले का आनंद ले रहे हैं और काफ़ी सारे आइटम भी खरीदने का काम कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारी मूर्तियों की दुकान है, जो चीनी मिट्टी होती है, चीनी मिट्टी की आपको अगर मूर्तियाँ चाहिए हो तो यहाँ से आप ले सकते हैं। और ये दुकान औरैया से आती है और प्रतिवर्ष आते हैं, इनके जो पिताजी थे वो भी अपने टाइम से आ रहे थे जब से मेला लगना शुरू हुआ है, मतलब ये बरसों का रिश्ता है इस मेले से इनके परिवार का और बरसों से जुड़े हुए हैं। और आप देख सकते हैं लगातार मेरी कोशिश है आपको कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको जानकारी कराने की इस मेले का, रात के टाइम में क्या सीन होता है, क्या दृश्य होता है उसको आप देख सकते हैं। और काफ़ी ज़्यादा चहलकदमी है और मेले में लगातार हर दुकान में, हर गली में आपको भीड़ देखने को मिलेगी। ऐसा बहुत ही कम होता है कि जब रात के 12 बजे हो, रात का 1 बजा हो, रात के कितने भी टाइम में आप आइएगा नवरात्रि के टाइम, तो मेले में आपको लगातार आपको भीड़ मिलेगी। हाँ, कुछ दुकानें बंद रहती हैं, जैसा कि आप सामने देख सकते हैं कुछ दुकान पर पर्दा पड़े हुए हैं, कुछ दुकानें बंद हैं, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं लगातार काफ़ी बहुत ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में दुकानें खुली हुई हैं और काफ़ी यहाँ पर जो दर्शक हैं, भक्तगण हैं, निरंतर मतलब मेले का आनंद ले रहे हैं। और साथ ही एक दुकान है, आप सामने देख सकते हैं काफ़ी एकदम से विभिन्न डिजाइनों की और बेहतरीन बेहतरीन फैंसी कंगन आपको यहाँ से आपको मिल जाएंगे। जो भी दर्शक बंधु हैं मॉर्निंग में आकर के यहाँ से फैंसी कंगन ले सकते हैं। ये पीछे आप देख सकते हैं फास्ट फूड की दुकानें हैं और इसके दूसरे नंबर वाली गली है और यहाँ पर आप जैसे ही जाएंगे कॉर्नर से दूसरी वाली दुकान है, तो यहाँ पर आपको चूड़ी कंगन वगैरह आपको मिल जाएंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे अच्छे इनके पास कंगन है। मेरा प्रयास है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेले की आपको जानकारी हो। तो साथियों, इसी के साथ मैं ज़्यादा कुछ ना आपको दिखाती हूँ, क्योंकि यहाँ पर इंटरनेट का प्रॉब्लम है, ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाता है तो 2 से 3 घंटे लग जाते हैं अपलोडिंग में, इसलिए मैं वीडियो को छोटा रख रहा हूँ, 5 से 6 मिनट का वीडियो है, तो इससे आप जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही यदि आप हमारे चैनल पर नए हो या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो मंगल वेबसाइट को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के बगल वाले बटन में जो घंटी वाली आकृति है उस घंटी वाले बटन को प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त हो सके। इसी के साथ नमस्कार, बाय बाय।